दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। टाटा समूह ने इसकी जानकारी दी है। टाटा समूह ने कहा है कि अपार दुख के साथ हम अपने प्रिय रतन टाटा के शांतिपूर्ण निधन की घोषणा करते हैं। हम उनके भाई, बहन और स्वजन, उनकी प्रशंसा करने वाले सभी लोगों के प्रेम और सम्मान से सांत्वना महसूस करते हैं। रतन टाटा के स्वर्गवास पर टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि अत्यंत दुख के साथ हम रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। वो वास्तव में एक असाधारण नेतृत्व करता थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि राष्ट्र को भी आकार दिया। वहीं दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के स्वर्गवास के बाद देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत शीर्ष हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट ने रतन टाटा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि रतन टाटा देश के अभिमान और स्वाभिमान थे। शिंदे कैबिनेट ने केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा के परिवार से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने रतन टाटा के स्वर्गवास पर उनके परिवारजनों को ढांढस बंधाया।